आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशान गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारा संवाददाता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हम मुकेश कुमार, हम इस समय मौजूद हैं फूलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा खंजापुर है। यहाँ पर जो है, ये हमारे पीछे जो है, ये लोग पीड़ित हैं इसलिए कि इनके साथ इस तरह शोषण किया जा रहा है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान का नाम क्या भैया? सूबेदार यादव के द्वारा इनके साथ शोषण किया जा रहा है, इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार इस प्रकार किया जा रहा है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चक्रोट है, ये चक्रोट जबरदस्ती इनके खेत में पटवाया जा रहा है। खेत में, हालांकि चलिए ठीक है, खेत में पटवाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पीछा मेरे पीछे गन्ना है, ये हरा भरा गन्ना हुआ है, हरा भरा फसल है, इस फसल को किस तरह काट कर ये फेंक दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गन्ना, ये इस तरह जो किसान पीड़ित है, परिवार है, पीड़ित परिवार है, जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए इस तरह की खेती करता है और धूप में, तपती हुई धूप में परिश्रम करता है, सिंचाई करता है, बुआई करता है, उसी गन्ने को प्रधान दबंग व्यक्ति द्वारा, जो इनका आरोप है, उस गन्ने को काट कर फेंक दिया जाता है और नायब तहसीलदार और यहाँ के लेखपाल द्वारा मिलकर इनके गन्ने को काट कर जबरदस्ती चक्रोट निकाल दिया जाता है, इनका आरोप है। आइए इनसे जानते हैं क्या ऐसा क्यों। सर वो हम लोग का वोट की राजनीति है, इसलिए वोट के ओथुआ में। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का सूबेदार यादव। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ऐसा है कि हम लोग राम सिंह प्रधान के साथ थे, इसलिए वो रंजिश बस कटवा रहे हैं, इसके लिए वो सेक्टर प्रभारी हैं सपा के, और वो हमारी कोई नहीं सुनते हैं, और इनके हमारी दक्षिण तरफ उनके आदमी हैं, इसलिए उधर से नहीं नापी होती है, केवल एक तरफ से नापी की जाती है। हम लोग मजबूर, हमको क्या समस्या है आपकी? हम माता प्रसाद यादव, ग्राम पोस्ट खांझापुर, जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और समस्या हमारी यह है कि हमारे चक में जबरदस्ती चक्रोट निकाल रहे हैं। जबरदस्ती ऐसा इसलिए कि प्रधान रंजीश को लेकर के ऐसा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? प्रधान कर रहे हैं। अरे क्या नाम? सूबेदार यादव। इतनी बड़ी दबंगई, इतनी बड़ी दादागिरी वो क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण बनता है कि राजस्व को साथ लेके आते हैं और आप उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्यों? जी, तो राजस्व भी मिली भगत है राजस्व की, उनके साथ में नायब तहसीलदार श्री आदर्श सिंह आते हैं, सुखबीर सिंह यादव हैं लेखपाल, और कानूनगो आते हैं, दो और लेखपाल, उनका नाम नहीं जानते हैं। हम कागज दिखाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, हम कागज दिखाते हैं, नक्शा दिखाते हैं, हमारा कुआं हमारे नंबर में दर्ज है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि इस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी दीवानी खड़ी है, दीवानी हम किए हुए हैं, दीवानी का मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो आप कैसा न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम न्याय ये चाहते हैं कि पता नहीं सरकार सो रही है क्या नहीं, गरीब जनता जो है अपने से बड़े अधिकारी के यहाँ जाती है, लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती। जब चक्रोट बन रहा था, इसकी सूचना आपको दी गई थी पहले से? नहीं नहीं, हमको सूचना नहीं दी गई थी, उसी दिन सूचना दी जाती है जिस दिन आएंगे, बस हम चाहे जहाँ रहें कैसे हम पहुँच जाए। चक्रोट जो दो छोर पे था, लेकिन एक ही तरफ से नाप के ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा? हाँ, एक ही तरफ से नाप करके करते हैं, किसी स्थिर बिंदु से पैमाइश नहीं किया है आज तक, करते हैं ऐसा क्यों दादागिरी वो? अब उन लोगों की अब क्या मानसिकता है हम नहीं जान पा रहे हैं। उस तरफ उनके आदमी हैं, उस तरफ उनके आदमी हैं, एक तरफ प्रधान के आदमी जो छोर का करंजा है, हाँ, उस तरफ मैं बता रहे हैं कि उनके आदमी इसलिए उधर से नहीं करते, पैमाइश नहीं करते, नापी नहीं होती है। क्या नाम आपका? राम प्रसाद यादव। क्या मामला है आपका? यही जबरदस्ती हमारे में पटवा दिए हैं, जबकि नायब तहसीलदार नाप के उधर दिए थे चक्रोट, लेकिन इस तरफ पूरब तरफ, लेकिन हमारे चक में जबरदस्ती पटवा दिया गया है। कौन पटवा दिया? सूबेदार यादव। सूबेदार यादव क्या है यहाँ? प्रधान है यहाँ के। ऐसा क्यों आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन के रंजिश से। अच्छा, इलेक्शन के रंजिश को? हाँ। तो ये आपका तहसील कौन सा पड़ता है? फूलपुर। फूलपुर तहसील पड़ता है? तहसील फूलपुर। तहसील के कोई राजस्व कर्मचारी थे भी थे कि? राजस्व कर्मचारी आए थे, नाप के उधर दिए थे। अच्छा। लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, हमारे में पटवा दिए। अच्छा, ये जामुन का जो पेड़ है, जामुन का पेड़ चक्रोट में आ रहा है। ये जामुन का पेड़ जो है, ये चक्रोट में आ रहा है, लेकिन ये चक्रोट को इस तरह जबरदस्ती क्यों पटवाया जा रहा है? क्या रंजिश थी और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन के रंजिश से। इलेक्शन में हम लोग राम सिंह प्रधान के साथ थे। अच्छा। जो पुराने प्रधान थे,
उनके साथ थे इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं। आपका आरोप है कि हमारा जो है फसल लगा हुआ था, गन्ना लगा हुआ था, उस गन्ने को कटवा के वजह से, जिसका वीडियो भी आप लोग के पास है शायद, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं कि बस वही इलेक्शन के रंजे से मनमानी कर रहे हैं बस। कोई आपके पास प्रमाण है? हाँ प्रमाण वीडियो है, वीडियो बनाए हुए हैं हम, और मना कर रहे थे लेकिन नहीं, मना करने भी नहीं माने। ये जो कि हमने दो महीना का समय मांग रहा था, भैया दो महीना गन्ना कट जाएगी, बेच देंगे क्रेशर पर या मिल में दे देंगे, इसके बाद आप पटवाइए, लेकिन वो नहीं माने। क्या ये जो चक्रोट पटवाया गया है कागज में है, वहाँ जहाँ आपके गन्ने को कटवा के पटवाया गया है? कागज में है लेकिन बगल में है, हमारे खेत में पटवा दिया गया है चक्रोट, उसको हटवाया जाए, हमारी सुनवाई किया जाए, पैमाई सही स्थिर भी उनसे की जाए। कहने का मतलब कि सर आप खेत में जबरदस्ती है? हमारे खेत में जबरदस्ती पाट लिया गया है, हमारे खेत के बगल से चक्रोट है। आप खेत किस तरफ से है? दक्षिण तरफ से। अच्छी तरफ से है वो पश्चिम, और जहाँ पे पटा है चक्रोट कहाँ पे है वो चक्रोट? हमारे में 20 कड़े लगभग 12-13 कड़ी बढ़ा लिया गया है मनमानी से, जबकि साहब नाप के खूटी गड़वाए थे लेकिन वो खूटी पर नहीं पटाए, प्रधान मनमानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चक्रोट दो जगह है, दो छोर पे है चक्रोट, हाँ। लेकिन एक ही छोर से चक्रोट को पटवाया गया है, ऐसा क्यों? भाई इलेक्शन के रंजित से एक ही तरफ से पैमाइश करते हैं और हमारी चक कम दे रहे हैं, पूरी नहीं दे रहे हैं लंबाई। मैं कह रहा हूँ सुभाष चंद्र यादव है, ये प्रधान की दबंगई से है, हमारा क्या नाम है? सूबेदार यादव। ये जो आप बता रहे हैं कि चक्रोट दो छोर पे है, एक ही छोर से पटवाया जाता है, एक ही छोर से पैमाइश होती है, एक ही छोर से नपवाया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा ही उस मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो उधर प्रधान के लोग हैं इसलिए उधर से नहीं नपाया जा रहा है। आप कैसी जो कि हमको चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहिए है, लेकिन एक न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग खुद आप लोग को बुलाए हैं। बुलाने का मतलब तो चलिए ठीक है, फिलहाल वो जो चक्रोट पटवाया गया है इसकी जो सिधाई वो गलत है सर। अच्छा पुराना जो चक्रोट पटा है वो भी गलत है, तो उस समय आप लोगों ने आवाज उठाई? बहुत आवाज उठाए थे लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ से वहाँ तक। हम लोग प्रशासन के साथ लेते हुए, राजस्व को साथ लेते हुए, प्रशासन का भाई प्रधान है वो कहते हैं मैं डीएम हूँ है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। कौन कहता है? सूबेदार प्रधान। क्या कहते हैं वो? ग्राम प्रधान है तो कहते हैं मैं डीएम हूँ, मैं गाँव का प्रधान हूँ मैं, इसलिए प्रभारी सूबेदार यादव हैं है, और इसलिए वो मनमानी चला रहे हैं। सपा का प्रभारी है, सेक्टर प्रभारी सपा के। खंझापुर के ग्रामवासियों का जो भारी आरोप है, मैं दोस्तों आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ के प्रधान, ग्राम प्रधान और राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सबके द्वारा मिलकर इस गन्ने को, जो हरा भरा गन्ना था, उसको क्षतिग्रस्त पहुँचाते हुए किस तरह दूसरे के खेत में बहा दिया गया, और क्यों ये जो विवादित चक्रोट है इसी को पटाने के लिए, शायद इसी चक्रोट को लेकर यहाँ ग्राम प्रधान जो हैं, ये ग्राम प्रधान अपनी पुरानी रंजिश को मिटाने के लिए ये जबरदस्ती खड़ंजा का निर्माण करवाया। और ये मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि एक गन्ना है, इस गन्ने को काट कर क्षतिग्रस्त पहुँचाते हुए यहाँ के ग्राम प्रधान और नायब तहसीलदार और यहाँ के लेखपाल वगैरह मिलकर सब लोग इस गन्ने को क्षतिग्रस्त पहुँचाते हुए काट कर फेंकते हुए इस चक्रोट को जबरदस्ती निर्माण कराया गया है, ये पीड़ित का भारी आरोप है। आपको इस तरह की खबरें दिखाता रहूँगा, आपके मास्क स्वास्थ्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों।